Fresh made soup bowl by Sagar Suneja. अच्छा जी अच्छा बीबी बढ़िया लगा आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. यहाँ पे मटके भी बनाए जाते हैं, वीडियोस भी डाले जाते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स. एंजॉय करते रहिए. हे गाइस, आई एम सागर सुनेजा, वेलकम टू माय चैनल. आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक एक्साइटिंग जर्नी पे जाएंगे जोधपुर में. यहाँ से हम जाएंगे बिश्नोई विलेज. यहाँ के जो लोग होते हैं वो जानवरों की और पेड़ पौधों की बहुत रखवाली करते हैं. अगर कोई भी यहाँ पे शिकार करने आता है उनका, पेड़ को काटने की कोशिश करता है, तो सारे मिलके उसकी रखवाली करते हैं और एक ही आवाज़ में पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है. हमारी गाड़ी यहाँ वेट कर रही है और ये रास्ता सीधा जाता है बिश्नोई विलेज की तरफ, तो आइए चलते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ों को बचाने के लिए कोई अपनी गर्दन कटवा सकता है? बिश्नोई विलेज में हमारी पहली मंजिल पर हमें कुछ ऐसा ही देखने और सुनने को मिला. ये पेड़ है खेजली का, जो अमृता देवी बिश्नोई लेडीज थी. इस पेड़ की रक्षा में अपनी गर्दनें कटवाई. महाराजा अभय सिंह ने 363 जनों की गर्दनें काटी थी इस पेड़ की वजह से. को मत काटो तो महाराजा ने सबसे पहले उसको काटा, उसके बाद में इस पेड़ को काटा और आसपास के 25 गांव इकट्ठा हुए, उनके सबके गर्दनें काट दी गई थी. और ये हिरण की रक्षा करते हैं बिश्नोई देवी, बिश्नोई समाज. मोरों के लिए एक जगह बनाई गई है जहाँ पे वो खाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सबके पैरों के निशान. 363 लोगों को महाराजा अभय सिंह जी ने काट दिया था, तो यहाँ पे इसी मंदिर के पास उनकी समाधि बनाई गई है. यहाँ पे मिट्टी से बनाया हुआ है और लिखा हुआ है. मोर आया था, मैं डर गया थोड़ा. जोधपुर में जो बिश्नोई समाज है वो पौधों से और पेड़ों से और जानवरों से बहुत प्यार करता है. 300 साल पुराना पेड़ भी यहाँ पे इतना हरा भरा है कि आपको लगेगा कि ये कोई नया सा पेड़ है. इसके अंदर ये पानी देते हैं और इसका मेंटेनेंस यहाँ के जो लोग हैं वो खुद ही करते हैं. तो आप यहाँ पे केयरटेकर हैं? हाँ, हम ये पेड़ पाते हैं, फू बारी मंदिर में झाड़ू देते हैं. अच्छा, आप करते हैं? तो ये पेड़ों का रख रखाव आप ही करते हैं? हाँ, सब में हम करते हैं. अच्छा, तो आप अकेले हैं और भी लोग हैं आपके साथ? नहीं, हम तो आज तो अकेले यहाँ 5-6 भी नहीं है पॉट पाते हैं, बट अभी 2-4 और लगेगा यहाँ. जोमा जी महाराज की तस्वीर है ये, 24 घंटे दिया जलता रहता है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हिस्ट्री बताई गई है महाराजा अभय सिंह जी की, कि जैसे उन्होंने लोगों को यहाँ पे काटा था 363 लोगों को. ये एक पिक्चर है यहाँ पे जो कि उसको डिपेक्ट करती है. और जो मोर हमने बाहर देखे थे उनके लिए ये खाने का सामान इन्होंने यहाँ पे रख रखा है. ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पेड़ों को बचा रहे हैं, जानवरों को खाना खिला रहे हैं, तो हमें तो बहुत मज़ा आया इनसे मिलके. शुक्रिया सर. ये तो यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, है ना? मतलब अकेले संभाल रहे हैं सारा और नेचर को प्रिजर्व करने के लिए ये जो कर रहे हैं, शायद हम सबको इनको मिलके सल्यूट करना चाहिए. जब जा रहे हैं तो हम एक बहुत ही अच्छा मैसेज लेके यहाँ से जा रहे हैं. दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं बिश्नोई विलेज में एक घर के पास. यहाँ पर ये एक पेड़ है जिसको केर सांगरी का पेड़ कहते हैं. केर सांगरी राजस्थान की एक बहुत ही मशहूर डिश है. क्या होता है अंबल? अफीम. तो ये अफीम के दूध को इसमें मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं. ये एक फनल से इन्होंने निकाला है जिससे वो फिल्टर हो जाता है. इस बर्तन में ये शिव भगवान को भोग लगाया जाता है. चाय नो
खामोश फरमाते हैं। एक्चुअली ये वो सींग है जो जब दो हिरन लड़ते हैं तो ऐसा बता रहे हैं ये कि उसका टूट जाता है फाइट करते हुए, तो ये एक्चुअली ब्लैक बक हिरन का सींग है जो मेरे हाथ में है। नो, यू आर नॉट लुकिंग गुड। उन्होंने थोड़ा सा लूज कर दिया है। मैंने आपको पेड़ पे दिखाई थी वो सब्जी केर सांगरी की, ये है वो केर सांगरी। तो दोस्तों ये गांव के घर को घूमने के बाद अब हम चल रहे हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ। तो दोस्तों अब हम आए हैं कुम्हारों के घर में और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका कल्चर कैसा है, और अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। कच्ची मिट्टी को यहाँ पे पकाया जाता है। तो यहाँ हमें नत्थू खान जी ने बताया कि उनके पास करीब 20,000 प्रिंटिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे वो नेचुरल वेजिटेबल कलर्स यूज़ करके फेमस राजस्थानी डिज़ाइंस की बेडशीट्स बनाते हैं, और ये सब कुछ ब्लॉक प्रिंटेड है। ये हमारी इंडियन आर्ट एंड कल्चर है जिसको हमने प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। हमने भी दो बेडशीट उनसे ले ली, अब देखते हैं आप यहाँ से क्या लेके जाएंगे। पॉटरी और ब्लॉक पेंटिंग को एंजॉय करने के बाद हमें लगी बहुत तेज़ की भूख, तो हम पहुंचे हीरा जी के होटल राजस्थान की फेमस डिश कड़ी सोगरा ट्राई करने। दोस्तों सोगरा जो हमने अंदर बनाया था वो अब यहाँ पर आ चुका है और अब हम वो सब्जी के साथ यहाँ पे खाएंगे। तो कभी भी आप काकानी ज़िले में आएँ राजस्थान में, ये बिश्नोई विलेज के पास है और सबसे पुरानी होटल है ये, तो हीरा जी की होटल प्रसिद्ध कड़ी सोगरा, ये इनके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो कोकानी ज़िले में जब भी आप आएँ तो हीरा जी के पास ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों हीरा जी के यहाँ स्वादिष्ट सा खाना खाने के बाद अब हम आए हैं ओम बन्ना मंदिर, और इस मंदिर की बहुत ही एक ख़ास बात है, और हम अंदर चलते हैं और तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या है वो ख़ास बात। तो इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। बहुत साल पहले यहाँ ओम बन्ना जी का एक्सीडेंट हुआ था, और जब भी यहाँ की पुलिस इस बाइक को एक्सीडेंट के स्पॉट से लेकर जाती थी तो अगले दिन ये बाइक अपने आप इसी जगह पर आ जाती थी। तब से यहाँ के लोग इस बाइक की पूजा करते हैं। ओम बन्ना मंदिर देखने के बाद हमारा आज का सफ़र तो यहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन इस सफ़र ने हमें कुछ ऐसी यादें दी जो हम शायद कभी भी भुला नहीं पाएंगे। मेरा नाम है बबलू, फिर मेरे को हॉबी हुई अंग्रेजों से बातें करने की, तो उनको मैं सिटी टूर ले जाता था, तो सिटी से जाते जाते उनसे और घुल मिल गया, तो धीरे धीरे करते करते मैं वॉकिंग टूर कराने लगा। तो मैं ऑफ सीजन में जैसे ये हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में विदेशी लोगों को ले जाता हूँ, कास्टिंग करवाता हूँ। मैंने हम साथ साथ में कंगना रनौत की मणिकर्णिका, इसमें विक्रम सर के साथ में काम किया है, साउथ के काफी हीरो है जो ये इलियाना डिक्रूज की जो हीरोइन है बॉलीवुड की, उनकी फोटो है आपके साथ। मैं उसमें गाइडिंग का रोल किया मैंने। ठीक है सर, थैंक यू, आपके साथ घूम के बहुत मजा आया। नमस्कार सर।